नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। पाठ 9, कविता बादल। हिंदी कक्षा में कल आपने इस बादल कविता को जरूर पढ़ा होगा अपनी टीचर के साथ, और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। अब प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप बादल होते तो आप क्या करते? आप सोचो कि अगर मैं बादल हूँ, अगर मैं बादल बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी? चलिए मैं बताती हूँ कि अगर मैं बादल होती तो मैं क्या करती। अगर मैं बादल बन जाती तो आसमान में कभी मैं इधर घूमती, कभी मैं उधर घूमती, कभी मैं नीले रंग के बादल बन जाती और कभी मैं काले रंग के बादल बन के आपको डराती। कभी मैं बारिश कर देती और बारिश में मोर को नाचते हुए देख बहुत आनंद लेती, और कभी आपको घेवर खाते हुए देख भी आनंद लेती। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कविता के रूप में बादल, मैं बादल बन जाऊं सुनाती हूँ। कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं, जब भी देखूं सूखी धरती, जब भी देखूं सूखी धरती, झट पिघल मैं जाऊं, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाऊं, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाऊं, खुशी खुशी से गड़गड़ करके, खुशी खुशी से गड़गड़ करके छम छम बूंदे लाऊं। इसलिए तो कहता हूं कि मैं बादल बन जाऊं। तो आप भी सोचिए कि अगर आप बादल होते तो आप क्या क्या करते। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी एक कविता थी कि अगर मैं बादल बन जाऊं तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या होगा अगर आप बादल बन जाए। चलिए अब हम अगले प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, आपने एक वाक्य में ही उत्तर देना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उत्तर देंगे। और आप उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपने कविता को सुना होगा, समझा होगा और उसका खुद उच्चारण किया होगा। प्रश्न नंबर 1, कब बादल कब उमड़ते हैं, बादल कब आते हैं? इसका मतलब है, इसका अर्थ है, आसमान में बादल कब आते हैं, कब उमड़ते हैं? उत्तर है, बादल सावन आने पर उमड़ते हैं। जब सावन आता है तो बादल उमड़ घुमड़ कर आ ही जाते हैं। और इस बादल जब आते हैं इस सावन के मौसम में, मोर भी नाचता है, हम भी झूले लेते हैं और हम क्या खाते हैं, हम स्वादिष्ट मिठाई खाते हैं। स्वादिष्ट मिठाई का क्या नाम है? घेवर, जो सिर्फ सावन के मौसम में ही आता है। तो बादल कब आते हैं, बादल कब उमड़ते हैं? बादल सावन आने पर उमड़ते हैं। प्रश्न नंबर ख, आसमान में किन किन
रंगों के बादल उमड़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया था ना कि अगर मैं बादल होती तो मैं आसमान में किस किस रंग में होती? मैं काले रंग की भी बन जाती और नीले रंग की। और हमारी कविता में भी यही लिखा है। तो आसमान में काले रंगों के बादल उमड़ते हैं और आसमान में नीले रंगों के बादल भी उमड़ते हैं। तो आसमान में नीले और काले रंगों के बादल उमड़ते हैं। आप कभी घूमने भी गए होंगे पहाड़ों पर, तो ऐसा भी हुआ होगा कि आप बादलों के अंदर से निकल रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कभी जरूर ऐसा हुआ होगा आपके साथ। और उस समय भी हम बहुत आनंद लेते हैं। तो बादलों के बीच में से निकलना भी एक हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। हम दिल्ली में या अपने घर में रह के बादल हमारे सामने नहीं आएंगे, पर आसमान में नीले और काले रंग के बादल में से भी हम निकलते हैं जब हम कहीं पहाड़ी इलाके पे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चमचम क्या चमकती है? जब बादल आता है तो चमचम क्या चमकती है? चमचम बिजली चमकती है। चमचम बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है, आप कभी कभी डर भी जाते हो, इतनी तेज बिजली चमकती है, और अपनी मम्मा से लिपट जाते हो बिल्कुल। पर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसका भी आनंद लेना चाहिए। तो हमारा प्रश्न है, चमचम क्या चमकती है? आप उत्तर में लिखेंगे, चमचम बिजली चमकती है। अगला प्रश्न है आपका, छम छम क्या बरसती है? छम छम क्या बरसती है? छम छम बूंदे बरसती हैं। हम जब सावन आता है, जब बादल आते हैं और बारिश आ जाती है, तो बूंदे धीरे धीरे आनी शुरू होती है, बूंदे बरसनी शुरू होती है, और फिर तेज बारिश आ जाती है। बारिश को क्या कहते हैं? और वर्षा। और क्या कहते हैं? बरखा। ये भी नाम है बारिश के, आपको याद होना चाहिए। बारिश को हम बरखा भी कहते हैं और वर्षा भी कहते हैं। तो छम छम बूंदे बरसती हैं। अगला प्रश्न है, बादल के आने पर कौन नाचता है? आपको पता है बादल के आने पर कौन नाचता है? बादल के आने पर मोर नाचता है। आपने देखा है कभी मोर? आपने अभी जो हमारे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, क्या आपके घर की छत पर कहीं मोर आया था कभी? आप सोच के देखो। और कभी आपने जू में भी देखा हो सकता है मोर, और पूरे पंख फैले हुए और मस्ती में झूम रहा है, नाच रहा है। जैसे बारिश आती है, बादल आते हैं, सावन का मौसम आता है, तो हमारा मन भी करता है कि हम नाचें। ऐसे ही मोर भी बहुत सुंदर नाचता है और बहुत आनंद लेता है बादल आने पर। चलिए अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। हमारे प्रश्न उत्तर खत्म हुए। प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्दों को मिलाइए। सही शब्द, आपके पास दो तरफ शब्द दिए हुए हैं। जैसे पहली तरफ है ढोल, राग, तपन, बादल, भालू, और दूसरी तरफ है सुनाए, छाए, मुस्काए, बजाए, बुझाए। अब आपने क्या करना है, ढोल के साथ क्या शब्द मैच करेगा, क्या मिलाया जाएगा? ढोल सुनाई होगा? नो। ढोल छाए? नहीं। ढोल बजाए। तो ऐसे आपने शब्दों का मिलान करना है। ढोल बजाए, ढोल बजाया जाता है। आप कभी कहीं गए भी होंगे, कहीं शादी में और कहीं फंक्शन पे,
तो ढोल जनरली बज रहा होता है और आपने डांस भी बहुत किया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट, राग सुनाई, आपने टीवी में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा। स्कूल को हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो आपने विद्यालय में भी सुना होगा, हमारे जब कंसर्ट्स होते थे, हमारे जब एनुअल फंक्शन होते थे, तो उसमें भी राग सुनाया जाता था। तो राग सुनाई। अगला है तपन बुझाई। धरती इतनी गर्म हो जाती है कि बारिश आने पर धरती की तपन बुझती है। अभी मैंने एक कविता छोटी सी सुनाई थी, उसमें भी आया था, जब भी देखूं सूखी धरती झट पिघल में जाऊं, गर्मी से तंग लोगों को ठंडक में पहुंचाऊं। तो गर्मी जब होती है और सावन आ जाए तो गर्मी भी कम हो जाती है और हम तपन बुझा जाती है। बादल छाए, और जब बादल छाते हैं तो हमें कितना मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, हवा चलने के बाद बूंदे आनी शुरू होती हैं और फिर तेज बारिश आती है और फिर हम घर में पकोड़े बनाते हैं। तो हमें बहुत ही मजा आता है जब बादल छाते हैं। तो बादल इसका भी एक मौसम होता है जो आजकल चल भी रहा है। भालू मुस्काए, देखिए जैसे हम आनंद लेते हैं सावन के आने पर, बादलों के आने पर, उसी तरीके से जानवर पक्षी भी आनंद लेते हैं। तो भालू भी मुस्कुराकर डांस कर रहा है जैसा हम सब देख रहे हैं। अब आपने प्रश्न उत्तर भी समझ लिए और मिलान भी समझ लिया। अब गृह कार्य नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 जो है वो आप खुद करेंगे। आपने खुद करना है प्रश्न 1, बिना मम्मी पापा की हेल्प लिए। पहले आप खुद करिए, बुक आपके पास है, किताब में से, कविता में से देखकर आंसर लिखिए, फिंगर रख के रीचेक करिए, उसके बाद मम्मी को दिखाइए। तो आपके पाठ के आधार पर वाक्य पूरा कीजिए है प्रश्न नंबर 1, जो आपने किताब में ही करना है। और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 आप कार्य पुस्तिका में करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे, और प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 आप अपनी किताब में करेंगे। हाँ, और ये जरूर सोचना कि अगर मैं बादल होता तो मैं क्या करता, मैं कैसे रहता, ये आप जरूर सोचिएगा और नेक्स्ट डे असेंबली में अपनी मैम को जरूर बताइएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, अगली हिंदी कक्षा में मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।